Would you like to see India rid of diesel and petrol cars altogether? 100% मेरा मिशन है। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी का कहना है कि भारत से 36 करोड़ पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को 100% खत्म कर दिया जाएगा। ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि गडकरी जी 2004 से ही अल्टरनेटिव फ्यूल के समर्थन में रहे हैं। भारत सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए 16 लाख करोड़ खर्च करता है, और गडकरी जी मानते हैं कि इंडिया में बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देकर इस फ्यूल इंपोर्ट पे होने वाले खर्चे को खत्म किया जा सकता है। बायोफ्यूल जैसे इथेनॉल, इसका सबसे सस्ता सोर्स है गन्ना, और इंडिया शुगर केन प्रोडक्शन पे नंबर 2 पे है। तो गन्ने से बने एथेनॉल जैसे बायोफ्यूल के यूज से भारत एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सकता है। इसके अलावा गडकरी जी मानते हैं कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, और फ्यूचर में सारी गाड़ियां बिजली और बायोफ्यूल से चलेंगी। क्या भारत में पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स का फ्यूचर ब्राइट है? कमेंट से बताएं, और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर दिस वीडियो।